ओके आई बिलीव आई एम लाइव अगेन. मुझे बताएं गाइस, इज द वीडियो फाइन? इज देयर एनी इंटरप्शन इन द वीडियो? या सना जावेद फैन पेज हैज जॉइंड अस. ओके, यू बैक लाइव विद मी अगेन. और मुझे बताएं, कैन यू सी मी गाइस क्लियरली? आप लोगों को मैं सही नज़र आ रहा हूँ? कैन यू हेयर मी? और वीडियो भी आपको सही आ रही है? फाइन आ रही है. अच्छा ठीक है. नुमान मोहम्मद कैसे हैं? थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो. हेलो सादिया मकबूल. आई एम गोना ट्राई एंड गेट सना बैक ऑन. सना इफ यू आर इफ सना इज लाइव देन शी विल बी ज्वाइनिंग अस. जी वीडियो इज फाइन. जी गौर्स 9278, कोई बात करें, कुछ पूछें, कोई सवाल पूछें. सारा सुहेल 12. यस इट्स क्लियर. ओके से हाई टू मी. एजाज अहमद 786, हेलो कैसे हैं आप? जी आ रही है, आई डोंट नो. इकरा वारसी, हेलो वारिस. अलियान 4163, हेलो कैसे हैं? कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप लोग? आज रसवाई का जो है फाइनल एपिसोड इज एयरिंग एट 8 o'clock ऑन ARY डिजिटल, और आप लोगों का बड़ा फेवरेट ड्रामा रहा है, और हमें बड़ा मज़ा आया ड्रामा शूट करते हुए भी. और सना का हम थोड़ा सा वेट. ओके हियर वी गो सना. होपफुली सना विल बी ज्वाइनिंग अस, और हम जस्ट वेटिंग. ओके हे हाय, फाइनली. सना यू हैव पता है, ये मैं 2-3 दिनों से लाइव सेशंस करता रहा हूँ, ये मसला आ रहा है बिकॉज लोगों लोगों सिर्फ इंटरनेट पे हैं लोग सिर्फ आजकल, आई एम सो श्योर. बहुत और लोड है इंटरनेट पे. हाउ आई थिंक यू वो डूइंग? ठीक कैसी है. हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल है. आई एम गुड, आई एम गुड. आप बताओ कैसा चल रहा है? हाउ इज क्वारंटीन बस गोइंग? 32 days हो गए हैं घर में, वाओ वाओ. मुझे कमरे खुद में. भी, मुझे अबाउट अबाउट 20 20 डेज आई गेस हो गए, मे बी 3 वीक्स. अच्छा, मैं यू तो नो ट्रैवल करके आई थी, तो 9th को तो इसलिए फिर 10th से मैं एक तो सेल्फ आइसोलेशन में गई थी. फिर उसके बाद मैंने अपने आप को बंदी, फिर जाहिर है फिर सभी कुछ बंद हो गया था, सभी क्वारंटीन में. एग्जैक्टली. आई मीन हाउ इज इट बीन? इट्स सच अ इट्स सच अ डिफरेंट टाइम. आई मीन ये आई कभी नो, कोई सोच सकता था पूरी दुनिया एक साथ जो है बंद बंद हो गई होगी है, आपके पूरी दुनिया बंद लिए, है. बंद है. और लेकिन इंशाल्लाह हम हाँ इससे निकल आएंगे बहुत जल्द, अगर हम घर में बैठे रहे तो. यही यही है. एंड आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है. हम रसोई की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इस वक्त वी हैव 2,500 व्यूअर्स विद अस, ऑलमोस्ट 3,000 व्यूअर्स. एंड सबको आई थिंक बड़ा जरूरी. व्हाई डोंट यू स्टार्ट सना? एंड व्हाई आर वी ऑल स्टेइंग एट होम? और हम क्यों क्वारंटीन कर रहे हैं, और क्यों हमें घर पे बैठ के ड्रामास देखने चाहिए रसोई में? बिल्कुल, रसवाई का आज लास्ट एपिसोड तो जरूर देखिए. हम घर में इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि जो COVID-19 है, जो कोरोना वायरस है, वो खुदा ना खास्ता किसी एक बंदे को होता है, एक इंसान को होता है, तो वो एक इंसान 4 5 लोगों को इन्फेक्ट करने की सलाहियत रखता है. अल्लाह ना करे किसी और को हो. समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली विदाउट विदाउट इवन नोइंग. कभी कभार जरूरी नहीं है कि आपको सिम्टम्स हो बिल्कुल, सकता है और आपको पता भी उसमें ना उस हो. इंसान की गलती नहीं है, क्योंकि ये है इतना कंटेजियस. ठीक है, इसमें आपको खुद ही एहतियात करनी पड़ेगी. अपना हाथ धोते रहे फॉर 20 seconds, घर पे रहें, गैदरिंग्स में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें जो कि बहुत जरूरी है. मैं कर रही हूँ, आप कर रहे हैं. हमारा तो काम ही सारा बाहर होता है जब हम लोग ये सब और बर्दाश्त कर रहे हैं. मैं पता, कल परसों किसी से बात कर रहा था कि हमारे लिए थोड़ा सा आसान भी और मुश्किल भी है. और टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट दिस. आसान इन द सेंस यस, कि हमारा काम ऐसा है, कभी कभार हम बहुत बिजी होते हैं और कभी कभार एग्जैक्ट. हम बिल्कुल फ्री होते हैं. तो जब फ्री होते हैं तो वी नो कि हाउ टू काइंड ऑफ नॉट मे बी डू समथिंग. लेकिन उन दिनों में भी बंदा कुछ ना कुछ करता रहता है, एक्सरसाइज करता है, कहीं जाता है, कुछ करता है दोस्तों बिल्कुल से मिलता बिल्कुल है. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन आजकल हम वो नहीं कर पा रहे. मिकाल आपके लिए, और दूसरा ये मिकाल के लिए कि बहुत हम मुश्किल है क्योंकि मिकाल मेरी तरह बिल्कुल भी इंट्रोवर्ट नहीं है. नहीं, फिर भी मतलब कुछ तो आप करते हो ना, आप बाहर जाते हो या बिल्कुल, किसी से हाँ मिलते बिल्कुल, जिम हो, जाते हैं या एटलीस्ट कॉफी आप बंद नहीं लेने होते. चले गए. बिल्कुल आप बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली, वट एवर यू वांट टू डू, फैमिली के साथ भले घूमने फिरने चले जाए. कहीं लेकिन आप चले गए, कोई बहुत कोई और क्लोज दूसरा फ्रेंड मैं से ये कह मिला रहा था कि लेना. हम वो लोग हैं जो हर दूसरे दिन किसी नए शहर में भी होते हैं कभी कभी. एंड वी बिल्कुल, ट्रेवल नए सो मुल्क मच, सो में. हमारे लिए घर पे
हमारे लिए घर पे बैठना बहुत मुश्किल बहुत है। काम है या तो हम घर पे होते हैं या हम शूट पे होते हैं ज्यादातर, तो अब हम सिर्फ घर पे एग्जैक्टली ही हैं। और और शूट की वजह से हम कभी कभार बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे होते हैं, नो न्यू सिटीज बिल्कुल, न्यू फील्ड. तो वही हमारे घर से निकलना वही हो जाता है एक दूसरे से तो यू नो मिलना। हम हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है, बट वी आर आल्सो डूइंग इट. और मैं भी इसलिए कर रहा हूँ, तुमने बड़ा अच्छा पॉइंट किया सना, कि यू नो ना जा आई थिंक मेरे लिए जो सबसे ज्यादा ट्रोमेटिक ये होता है, जो तुमने अभी बात की कि एक बंदे की वजह से दूसरी बंदे को भी हो जाता है. यू नो साउथ कोरिया में उन्होंने कोई एक स्टडी किया था कि एक शख्स की वजह से, वो क्योंकि उसने अपना एक सुनो ये एक शख्स की वजह से उसने अपना टेस्ट नहीं करवाया, और वो एक हफ्ता फिरता रहा, उसने 6,000 लोगों को वायरस लगा. कैन यू इमेजिन सुने मिकाल क्या कह रहे सोचो, हैं। और सोचो कि अल्लाह ना करे उनमें से कोई पता नहीं कोई कोई मर गया हो, यू नो कि आपकी वजह से, आपकी यू you नो know, अगर अनलेस आप किसी बहुत जरूरी काम से ऑब्वियसली आई थिंक यू इट्स अ क्राइम, जानबूझ करके अगर आपको हुआ हुआ है और आप निकल रहे हैं, लोगों से मिल और रहे हैं, यही हाथ वो मिला रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक जो हम सब एज इंसान जो है दिखा रहे हैं. तो एनीवे वी विल गेट बैक टू दिस टॉपिक एज वेल, दिस टॉपिक, और ऑफ या कोर्स हम बहुत अब कुछ सारे लाइटर तुम्हें नोट कमेंट्स पे कुछ नजर आ रहे बातें कुछ करते हैं मिकाल से। तो मिकाल बताएं कि कुछ सेट पे जब हम इतने सीरियस सीन्स कर रहे होते थे, इतने इंटेंस, उससे पहले हाँ हमारा क्या मूड हुआ हुआ होता था। हाँ ऐसा ही है. नहीं मेरी और सना एंड आई आर गुड ओल्ड फ्रेंड्स, और यू नो हमेशा आई थिंक वी ट्राइड कि बड़ा कॉर्डियल, और बड़ा स्ट्रेसफुल काम होता है, यू नो बड़ी डिमांडिंग काम होता है. आप सुबह से आके आप रोज जो है यू नो सीन्स करें, गर्मी है, यू नो दिल नहीं चाह रहा आपका कभी कभी, लेकिन यू नो आप और इस यू नो प्रोजेक्ट में एक तो बहुत अफेक्ट अच्छे हुआ। हाँ हाँ अब यू नो आप एक अच्छे माहौल में कोशिश कर रहे थे, तो बहुत सारे सीरियस सीन से पहले जैसे मैं तुम्हें मार रहा हूँ, बाल खोच रहा हूँ, गला दबा पता नहीं क्या कर पहले हम हंस रहे रहे होते थे, हम लोग उस सीन और को हम वो सीन. अपने हिसाब से बना के हम लोग हंस रहे होते थे हाँ अच्छा सुनो, तुम्हें कमेंट्स नजर आ रहे हैं नीचे? आपके बहुत अच्छा कमेंट्स. अच्छा व्हाई डोंट यू हाँ स्पीक टू सम ऑफ द पीपल, कुछ यू नो जो हमारे साथ अभी देख रहे हैं. बिल्कुल। हमसे सवाल पूछे आप सेट के बारे में, बीटीएस हाँ बिहाइंड द सीन्स आप क्या पूछना चाहते हैं। समीरा यू आर सो ब्यूटीफुल, थैंक यू रासे। इवन आई वाज हे ओए समीरा सलमान की है जरा देख, ज्यादा कोई ब्यूटीफुल जी ब्यूटीफुल ना कह. बिल्कुल। हाँ हाँ सलमान आजकल बहुत हीरो बना हुआ है ना। सलमान आज तो बहुत हीरोइक हरकतें करेगा, देखना. मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मिकाल इज माय फेवरेट को स्टार, और मुझे इससे पहले भी मिकाल में मैंने साथ काम किया था, और आई थिंक मिकाल इज सच एन अमेजिंग एक्टर और इंसान। क्योंकि सेट पे होता था जाहिर है, जब आप इतने इंटेंस सीन्स करते हैं, और इसमें तो शुरू से आखिर तक ऐसे ही था, तो कभी कभी मैं बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाती थी कि मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। तो मिकाल एक वही इंसान होते थे जो मुझे कह रहे होते थे कि नहीं इसको ऐसा कर लो। मुझे इतनी वो याद है, वो एक सीन जो मुझे फंस गया था, एक नहीं कई सीन से, लेकिन वो एक याद है जिसमें मैंने ब्रश भी फेंक के मारा था, और मिकाल ने मुझे कहा था अगर मुझे तो लगी ना बहुत तो अच्छा तुम किया ही। उधर. नहीं दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सना, एंड यू नो सेम गोज हियर, इट्स अ प्लेजर टू वर्क, इट वाज अ प्लेजर टू वर्क विद यू, और यू बड़े एक टू। अच्छे एटमॉस्फेयर में, एंड यही होता है सपोर्टिव यू नो. और तुम्हारी वजह से भी मुझे बहुत हेल्प मिली ऑब्वियसली, यू नो सोलोज में, और यू नो पूरी पूरी एक्टिंग करना और एक दूसरे को सपोर्ट करना, क्योंकि तुमने उस दिन इंटरव्यू में भी कहा था, मैंने तुम्हारा देखा भी था फ्यूचर मैगजीन में, तुमने शायद बोला था कि हाँ तो बहुत कम लोग ये समझते हैं कि दोनों अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो वो सीन मजे का आएगा, और दोनों की आप ही का परफॉर्मेंस अच्छी प्रोडक्ट होगी. है अगर बिल्कुल। एक अच्छा करोगे दूसरा बुरा करोगे तो वो सीन का बिल्कुल मजा नहीं आएगा. और एक लेट्स इतना गो अच्छा टू कर सम रहे हैं और दूसरा इनसिक्योर होके आपके सोलोज में शक्लें बना रहे हैं। ये भी होता है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है. मैंने तो कभी भी नहीं किया, और मेरा तुम्हारा भी एक्सपीरियंस ऐसा कभी नहीं रहा. एंड आई थिंक ऐसे बंदे को भी ना फिर भी आई थिंक यू नो जैसे कहते हैं ना, डू डू योर पार्ट एंड डू गुड ऑन ऑफ योर साइड. कोर्स। हाँ अच्छा हाँ एक
Let me read some questions, okay? Today is the last episode. Great work by actress. Okay, रुक सार कह रही हैं आपके बारे में और तुम्हारी परफॉर्मेंस के बारे में मैं भी कहूंगा ना कि मैंने ऑब्वियसली बहुत सारे सीन्स जो हमने आपस में किए उसका मुझे पता था, लेकिन उनका भी आपको तभी पता चलता है जब वो स्क्रीन पे आते हैं, ना छोटी छोटी चीजें बिल्कुल होती हैं जो शायद आप मिस करते हो. तो आई वॉज रियली रियली इम्प्रेस बाई योर परफॉर्मेंस. थैंक यू और सो मच. खासतौर पर मुझे याद आता है जो तुम्हारा पहला सीन था, वो जो रेप, जब रेप होके यू आर फाउंड, उसमें जो तुम्हारे एक्सप्रेशंस थे, वो बीइंग लॉस्ट एंड ओके जस्ट द वे यू हैंडल्ड इट, आई मीन आई वाज रियली इम्प्रेस्ड. बड़ा मैं थैंक तुम्हारे यू, एक्टिंग का फैन हुआ था उस सीन से. थैंक यू सो मच. अच्छा और जी, इफ यू वुड लाइक मैं टू आस्क. सेम, मेरे भी आपके बारे में यही है कि जब मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली सारे सीन्स तो आपके और भी एक्टर्स के साथ होते हैं, लेकिन जब मैंने आपका काम देखा, आई वाज लाइक वाह, आई वाज ब्लोन अवे कि मिकाल ने इतना, इतने ट्रांजिशंस होते हैं ना आपके, शेड्स होते हैं आपके कैरेक्टर में, जो कि आपके बहुत ज्यादा थे. बहुत अच्छा किया था. थैंक यू सो मच. अच्छा लेट मी सी. अच्छा वांट टू सी योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट. सना कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताएं. व्हाट यू गोइंग टू बी डूइंग? पीपल वांट टू यार नो. नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी ARY के लिए है, बिग बैंग का है और बदर उसके डायरेक्टर है, विद बिलाल अब्बास. अच्छा, ओह नाइस, एक्सीलेंट. या बिलाल इज डूइंग सम रियली गुड एक्टिंग है दीस ना, डेज. या आई एम वेरी एक्साइटेड. आप बताएं, आपका नेक्स्ट ओके. प्रोजेक्ट क्या है? हाँ, आई एम ऑल्सो एक्चुअली डूइंग समथिंग विद ARY एंड इट इज फॉर आई ड्रीम्स. And that was supposed to start already, लेकिन अब क्योंकि obviously lockdown हुआ है, so we're just waiting के इंशाल्लाह once things get back to normal तो we can start इंशाल्लाह. working maybe next month इंशाल्लाह, दुआ करते हैं. आप दोनों बहुत अच्छे हैं. अच्छा जी, किसी ने कहा आप दोनों मुझे बहुत लगता है अच्छे मेरे हैं. मुंह बहुत पे सारे सारे हार्ट्स, आंसर्स. बहुत सारे हार्ट्स मिल रहे हैं हाँ, और बहुत सारे स्माइल्स मिल रहे हैं. ये हार्ट्स. बताएं, हार्ट्स जो हैं मेरे लिए आ रहे हैं या सना के लिए आ रहे हैं, किसके लिए किसी ने बताएं. लिखा 50 Shades ऑफ निकाल. 50 मैंने ग्रे पहना हुआ है शायद इसलिए. ओके, आसमा हसन है हमारे साथ सेइंग वाओ, और मिसबा है, स्माइलीज भेज रही है, बहुत सारी स्माइलीज आ रही है. कोई सवाल पूछें, हम कोई खास अच्छा तौर सा पे रुस्वा. सवाल. अच्छा, मैं मजे की बात करना चाहता सना. मुझे याद है तुम्हारे अब्बा मोहम्मद अहमद साहब, और सो मच मुझे याद है कि फन. तुम्हारी उनके साथ जो जब जब मैं वो सीन्स करता था जो तुम्हारे घर के अंदर शूट होते थे, तो तुम्हारी और अब्बा हमेशा एक बड़ी मजे की एक वो तुम कॉन्स्टेंटली उनकी वीडियोस बना रही होती थी. और अगर आप लोग सना को फॉलो करते हैं, आपको पता होगा तुम काफी मेरे ख्याल से आई डोंट नो स्नैपचैट पे या इस पे इंस्टा पे करती थी और काफी अपलोड करती थी पिक्चर्स, और उनको दूर हाँ, दूर से बुली उनके मूविंग करती थी. करके एंगल्स बनाती रहती थी. वो भी मुझे बुली कर रहे होते थे. और याद है उनसे वो थप्पड़ वाला सीन हो नहीं पा रहा था, आपको थप्पड़ मारने के लिए बहुत घबरा रहे थे वो, याद है? हाँ मुझे, हाँ हाँ, हाँ हाँ नहीं, बहुत और फनी तुम्हारे था. साथ भी वो कैसा था? आई मीन ऑब्वियसली तुम्हारा जो ड्रामे में तुम दोनों की रिलेशनशिप थी, बड़ा तुम दोनों ने एज एक्टर्स उसको बड़े जबरदस्त तरीके से टैकल किया. मोहम्मद अहमद साहब भी इज फैंटास्टिक मोहम्मद एक्टर. अहमद साहब, मैं उनको वैसे भी अब्बा ही बुलाती थी, उन्होंने तुम बहुत दोनों की कमाल ना, की. तुम दोनों की वो ऑफसेट बॉन्डिंग नजर आती थी. हाँ, जो मैं मेरे उनको, ख्याल से पता है, ऑन असल में स्क्रीन. अब्बा कहती हूँ, वो मुझे अपनी बेटी ही कहते हैं. हाँ स्वीट, नहीं वो नजर आता था जो जो ऑफसेट जिस तरह तुम दोनों आपस में. एंड देन आई थिंक फनीली आई मीन होता है शायद क्योंकि तुम दोनों का जो रोल था वो इतना स्ट्रेसफुल इन 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 द प्ले था कि तुम लोग अदर अदर देन दोज टाइम्स तुम लोग बिल्कुल रिलैक्स मोड में होते और हंसी मजाक होते थे. और सीन से पहले हम ना, लोग और जब मिकाल सीन हो, शुरू होता था तो हाँ बिल्कुल ही कितने मजे की उस, बात है. और हम दोनों के साथ भी होता था, याद है शायद वो वाला शायद सीन? अनइंटेंशनली तुम दोनों उसको काउंटर करने के लिए कि बिकॉज ताकि वो क्योंकि नेगेटिव एग्जैक्टली वो बाहर भी निकले, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रेसफुल सीन से. और याद है आपके साथ भी यही हुआ था कि वो जो सीन था, जब आप पहली दफा आके मुझे देखते हैं, जब कैरेक्टर का जब रेप होता है, व्हेन इट्स हाँ हाँ नहीं बैक, देखा जाता. हम हाँ. लोग हंस रहे थे, आप मेरे सामने खड़े हुए थे और हम दोनों हंस रहे थे, हम लोग पागलों की तरह हंस रहे थे उस सीन से पहले. फिर हाँ. वो सीन ही, जब मैं बोलती हूँ कि मुझे लगा कि तुम मुझसे मिलने आओगे, अब मैं तुम्हारी पहली वाली समीरा नहीं रही टाइप, वो वाला और मैं सीन. दीवार पे खड़ा हुआ था और एग्जैक्टली, या हम लोग कितना हंस रहे थे. और जैसे ही एक्शन हुआ, आई स्टार्टेड क्राइंग एंड
उफ, आपके एक्सप्रेशंस इतने जबरदस्त थे कि वाकई देखा नहीं जा रहा समीरा को। अच्छा ओके, जी, मैं मैं इरफान थोड़ा कह रही हूँ, सा कैसे हैं आप लोग, दोनों? हाँ आई एम फाइन। हमारे साथ कई हैदराबाद से, मैं पूछना चाह रहा था लोग हमें कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान के मैंने बाहर जस्ट से भी। सीजन 2 ऑफ रसवाई कमिंग, नहीं भाई सॉरी सीजन, अच्छा बताओ सना, अगर सीजन 2 होता उसमें क्या होता? सीजन 2 होता उसमें, आई डोंट नो, तुम्हारी समीरा शादी हो पॉलिटिशियन जाती है बन आराम से, जाती तो मेरा पॉलिटिशियन, हाँ, स्पोक्स पर्सन बन जाती, बिल्कुल। हाँ हो सकता था। अच्छा हाँ, और आई एम सुहान गोना जी, जस्ट रीड सम क्वेश्चंस जो मुझे वैसे भी आ गए थे। यू नो ऑब्वियसली एक दफा फिर मेरे ख्याल से सना, व्हाई डोंट यू यू नो, इस वक्त शायद हमें और लोगों ने ज्वाइन किया हो, एंड यू नो इट्स आई थिंक नाइस टू गिव अ मैसेज एज वेल अबाउट द करंट टाइम्स एंड यू नो व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे होम राइट एग्जैक्टली नाउ। इसके बारे में तो हम जितना भी बोलें, जितनी दफा भी उनको मैसेज दें या रिक्वेस्ट करें लोगों से कि प्लीज घर में रहें, क्योंकि अभी मैं कुछ देर पहले यही कह रही थी कि खुदा ना खास्ता किसी एक बंदे को अगर ये COVID-19 कोरोना वायरस होता है तो वो 4-5 लोगों को इन्फेक्ट करने की कर सकते हैं। मतलब वो इतना कंटेजियस है कि 4-5 लोग भी इन्फेक्ट बल्कि हो रहे हैं, ठीक है ना, एक में से पांच में से 4 लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो प्लीज घर में रहें और जितने भी प्रिकॉशंस आपको लेने के लिए कहा है, जैसे आप हाथ धोते रहें, लोगों से हाथ ना मिलाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपने माँ बाप का ख्याल करके आप घर में बैठे, क्योंकि खत्म होगा और इंशाल्लाह जो हम लोग वापस आर यू नॉर्मल लाइफ बैक में सना जल्दी आ कहीं? सकेंगे। सॉरी आर वी बैक, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच या में। मैं कैन यू स्पीक? या ओके ओके, नहीं सॉरी आई थिंक आई गॉट डिस्कनेक्टेड। नहीं बहुत अच्छी बात की तुमने सना, एंड यू नो तुमने पेरेंट्स की बात की, मैं भी यू नो आई एम होम बिकॉज ऑफ माय फादर एज वेल, या एंड सेम यू हियर। नो मुझे सबसे बड़ा डर ये है कि यू नो खुदा ना खास्ता, एक तो यू नो मुझे इसका डर नहीं कि मुझे हो जाए, लेकिन अगर मुझे हो जाए और मेरी वजह से किसी और को हो जाए, ये मेरे लिए बहुत तकलीफदेह चीज अल्लाह है। ना एंड दैट्स करे, व्हाई अल्लाह आई ना एम करे। ट्राइंग टू बी केयरफुल, और अगर हमने सबने थोड़ी देर के लिए ये डिस्टेंस रख लिया तो ये इंशाल्लाह यू नो उसका स्प्रेड खत्म हो जाएगा, और इसी वजह से हम ये सब कर रहे हैं। मुझे पता है सबके लिए मुश्किल है, बिल्कुल लेकिन यू नो यहाँ बहुत सारे हम इफ वी टॉक अबाउट अदर सेलिब्रिटीज, बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं यू नो दे बी डूइंग सोशल वर्क और बहुत बिल्कुल सारा बिल्कुल, अवेयरनेस एनी लेट्स फैलाने के लिए, एंड आई अमेजिंग थिंक वर्क। यू नो हमारे you know, the best we can do is कि हम awareness फैलाएं इसके बारे में। I'm going to move to some questions। मैंने पूछा था कि कहाँ कहाँ से है सना। We have people from Saudi Arabia here, we have Multan, we have Islamabad, sorry मैं थोड़ा सा हेलो स्क्रोल अप कर रहा था, एवरीवन। people are हाँ saying प्लीज we are both very cute, क्वेश्चंस thank you। पूछें। हाँ मैं questions थोड़ा सा देखने लगा। From Rawalpindi हैं हमारे साथ लोग। अब्दुल्ला बाबर says hi, हाउ इज योर क्वारंटीन गोइंग? जारा मुस्तफा ने हाय पूछा। अब्दुल्ला बाबर, बस सबर के साथ गुजर रहा है। सुबह के साथ फ्रॉम सिंगापुर है हमारे साथ अरमान। आई गेस यू गाइस शुड हैव शोन मोर ऑफ योर कैंपेन अगेंस्ट दीज क्राइम्स, इसके बारे में क्या कहेंगे? किसी ने कहा है इसके बारे कि जो में जो तुम्हारा रोल था ऑब्वियसली, और उसमें जो तुम्हारी स्टोरी थी जिसमें आई थिंक उसमें आज कुछ कंक्लूजन पहुंची थी राइट, जो जो तुम ठीक है। हाँ, एक सर्च और भी क्वेश्चन कर रहे। पूछते देख लेते हैं, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आया है, फिर दोनों का एक साथ जवाब देते हैं। व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट सीन फॉर बोथ ऑफ यू इंडिविजुअली अपार्ट फ्रॉम योरसेल्व्स? व्हाट आर योर फेवरेट कैरेक्टर्स? व्हाट वाज द टाइम यू गाइस कुडंट कोप अप विद द सीन? दैट्स अ गुड वन। आई थिंक पहले का हाँ तुम दो, पहले एक सवाल ये था कि व्हाट अबाउट जो तुम्हारी अपनी वो जर्नी थी जिसमें तुम क्रिमिनल्स को कैफले किरदार तक पहुंचाना चाहती थी, आई थिंक वो आज कुछ उसके अंदर रिस्पॉन्स आज आएगा उसकी कुछ, आप उसमें। देखिएगा कि क्या होता है आज, वो किस तरह कंक्लूड होता है।
आई थिंक जो शुरू से आखिर तक अगर मैं अपने कैरेक्टर की जर्नी की बात करूँ और अगर मैंने जिस तरह से उसको कंसीव किया, अच्छा मेरी हमेशा आदत है कि मैं ये नहीं सोचती कि ओके मैं सीन को इस तरह करूँगी सेट पर जाने से पहले, मुझे ना ये वरना फिर मुझसे सीन नहीं होता, फिर बहुत ही मैकेनिकल हो जाता है. तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है जब डायरेक्टर एक्शन बोले और जब सीन जैसे ही होने लगे मैं उसी वक्त वो कैरेक्टर, एक तो मैं वो कैरेक्टर बन जाती हूँ, आई लिव द कैरेक्टर, मैं जो भी कर रही होती हूँ एक्ट, तो मैं वो कैरेक्टर बन जाती हूँ, फिर मुझसे जो नेचुरली होता है वो मैं करती हूँ. तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता ग्लू स्क्रीन लगाऊँ या ऐसा कुछ, बस नेचुरली रोना हो, हर चीज़ नेचुरल हो, मुझे बहुत हेल्प भी करता है मेथड एक्टिंग And जिसे were you कहते हैं. happy? You think you'll be happy? जो जो भी अब एंड में होगा, obviously we'll find out tonight. But do you think your character is happy? Were you happy from your character's point of view? कि ये सही कंक्लूजन हो जाए? आई थिंक देखते हैं आज कि किस तरह से कंक्लूड होता है, फिर इस पे कमेंट कर सकेंगे, ऑडियंस बताएगी, बिल्कुल सही. अच्छा, ऑडियंस इज द जज, यू नो. दूसरा दूसरा सवाल भी अच्छा था कि आप लोगों को कौन से सीन्स करने में मुश्किल हुई, है ना, इस तरह का कुछ था. मुश्किल हुई और कौन सा कैरेक्टर अपार्ट फ्रॉम योरसेल्फ आपका फेवरेट है, और तीसरा कि कौन सा ऐसा सीन था जो, प्ले आई हाँ जिसमें हाँ आप फंस गए थे वो हो नहीं रहा था, इस तरह का कुछ सवाल था. थिंक मेरा कैरेक्टर, मेरा फेवरेट कैरेक्टर तुम ही थी, और मैं तुमसे इन लव था ड्रामे में, हाँ और फिर पता नहीं क्या हो गया, और तुम्हें पता हाँ नहीं क्या हो गया फिर, सुनो. और तुम्हें पता नहीं क्या हो गया सलमान. अच्छा मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर था वो था तुम्हारा और अब्बा का, माय मोस्ट अब्बा फेवरेट वाज कैरेक्टर, ग्रेट. क्योंकि मेरे सबसे ज्यादा सीन्स भी तुम दोनों के साथ थे और सबसे अच्छे सीन्स भी तुम दोनों के साथ हुए थे. सो या ओके. एंड और आई थिंक दूसरा सीन्स मुश्किल मुश्किल जो करने का था, वो मेरे लिए आई थिंक वो जो मारने धाड़ने वाले सीन्स थे, उफ, वो कितने मुश्किल थे, और वो करने के लिए मुश्किल होते हैं, बिकॉज तुम्हें कितना अफसोस होता था जब वो केक में लेके आई हो, मुझे धक्का मुझे नहीं करना हाँ, ये. स्क्रिप्ट में तो पता नहीं क्या क्या लिखा होता कि केक उठा के मार देता है ये वो, यू नो. हाँ मतलब इस तरह के सीन्स, यू नो, आई थिंक फॉर द ऑडियंस, आई मीन, यू नो, इस तरह के सीन्स करते हुए, यू नो, आपकी अपना ह्यूमन जाग जाता है, इन द सेंस के. मतलब मुझे ये था, इट्स नॉट कि केक मैंने खाना है, लेकिन यू नो आपको केक गिराना है सीन के लिए और खाना जाया हो जाना है, यू नो, वो इस तरह की छोटी चीजें होती हैं जो या एज वो ए सही ह्यूमन आप बात फील है. करते हो, यार ये केक और है वो मिकाल जाया को हो मारने वाले जाएगा. सीन्स थे, वो जब सीन करने के बाद जैसे ही कट होता था मिकाल, आई एम सो सॉरी यार, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट मी. ऑब्वियसली ऑब्वियसली. और वो, यू नो, और वो हालांकि क्योंकि जब आपको एक्टिंग करनी पड़ती है, आई मीन, आपको ऑल्दो आप मिमिक कर रहे हो, लेकिन आप कुछ हद तक, यू नो, वो चीज कर रहे होते हो, तो बड़ी दैट्स ऑकवर्ड नॉट, भी दैट्स होती नॉट है. न्यू. हाँ और कौन सा सीन अच्छा, ऐसा था लेट्स जिसमें आप फंस गए थे, जिसमें मैं, फंस गए थे कि वो हो नहीं पा रहा था, और यू नो हाँ, कौन सा सीन ऐसा था? पता नहीं, अभी अभी ऐसा कोई वैसे याद नहीं आ रहा ऐसा सीन जिसमें, आई थिंक ये सीन्स मुश्किल थे करने के लिए. फंसने वाला कोई याद आ रहा है जिसमें हम, आई थिंक एक दो सीन्स थे जिसमें मैं हमने बड़ा फंसी वर्क थी वही किया था वाला एक जिसमें ब्रश दूसरे फेंक के मारना था, पर आपने मेरी इतनी हेल्प की थी उसमें. के साथ. और मेरे जो मुश्किल सीन थे, मेरे तो बहुत सारे मुश्किल सीन थे. आई तुम्हारा थिंक कैरेक्टर भी इतना मुश्किल हाँ, वो जो अबडक्ट होती है उसके बाद जो वापस आती है, वो सारे सीन्स मेरे बहुत मुश्किल थे, वो लाइन्स बहुत था. मुश्किल थे, और आई थिंक वही सीन्स मेरे फेवरेट भी हैं. फेवरेट हुए हैं जो मेरे और मिकाल के और अब्बा के सीन थे मेरे साथ. अच्छा जी, नैना लाली ने कहा है कि मुझे मिकाल से नफरत हो गई है, तो ठीक है. मिकाल मतलब उमर ने वाह, ये तो कहा है, तारीफ हाउ है कैन यार, ये तो कॉम्प्लीमेंट आई, है. सना 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 लव इज बैक. अच्छा, किसी ने कहा, और किसी ने कहा है, हाउ कैन आई मीट यू सना, हाउ कैन समवन अभी तो मीट यू. क्वारंटीन में, अभी तो हम लाइव ही मिल सकते हैं. गुड आंसर. और जो भी हैं वो भी क्वारंटीन में रहे, बिल्कुल किसी किसी को मिलने की जरूरत नहीं. अच्छा जी, मिकाल को गो क्वेश्चन टू रहेगी, अनदर मुझे किसी ने क्वेश्चन. पूछा था कि इस तरह के ड्रामे और बनने चाहिए, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ था ना नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा. अच्छा, वो जो निकाल जुल्फिकर, यू मैसेज. बेस्ट एक्टर, रियली अप्रिशिएट, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, यू बोथ आर सो एडोरेबल. सना जावेद, थैंक अस्सलाम यू वालेकुम मिकाल कहने पर जुल्फिकार, भी. यू आर बेस्ट एक्टर, आपकी एक्टिंग रियली अप्रिशिएट, ब्यूटीफुल, एक्सेलेंट, नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब, यू नो, आई यू लव कैन यू इवन, गाइस. क्योंकि हम बहुत सारी बात करते रहे, तो यू कैन इवन स्क्रॉल अप सना, और ऊपर बहुत सारे हाँ डू क्वेश्चंस होंगे. स्नैच. हाय हाँ सना एंड मिकाल, हेलो रमशा खान, ब्यूटीफुल, कैसी हैं आप? हाय रमशा खान, सानिया ब्यूटीफुल. गिलानी,
सना जावेद, हाउ आर यू? अशरफ पूछ रहा है। वी लव्ड एवरी सीन ऑफ सलमान एंड समीरा. वी एक्चुअली यूज्ड टू वेट फॉर यू बोथ सीन्स. अमरीन रूबी. ओके. अच्छा जी, आमना मलिक हैं, कॉलिंग आउट योर नेम। आमना, कैसी हैं आप? रहा है, आई एम सुराया फ्रॉम लंडन। व्हाट वुड यू से इज द मॉरल मैसेज ऑफ द ड्रामा? कोई एक मैसेज तो नहीं है. मिकाल पहले आप शुरू करें. आई थिंक मेरे कैरेक्टर के हवाले से मॉरल क्या था कि यू नो, अभी अभी एंड रिवील किए बगैर, आई थिंक जो हाँ जो दैट यू नो, इट वाज कॉम्प्लिकेटेड। आई थिंक यू नो, मेरा और तुम्हारा भी जो जो भी उनका यू नो, दे वर अ कपल हु वर इन लव एंड देन दे गॉट मैरिड, और फिर ये कॉम्प्लिकेशन बीच में जिसकी वजह से बहुत सारी, तो ऐसा नहीं है कि कोई, मेरे नहीं ख्याल सलमान बुरा था या सलमान की नीयत भी बुरी थी, और ऑब्वियसली समीरा की भी नहीं थी। समीरा के साथ आई थिंक बड़ी चीजें नेचुरली हो गई, और फिर जहां कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हुआ, वहां जहां बहुत सारे और लोग आई थिंक बीच में शामिल हो गए, एंड आई थिंक आपके कैरेक्टर में यू ये नो भी था ऑब्वियसली। कि जो अपब्रिंगिंग होती है ना किसी लड़के की, उसमें जरूरी है कि औरत को हर स्टेप पे आप एक तो रिस्पेक्ट करें, उसको एम्पावर करें, उसके साथ कुछ इस तरह का अगर हो तो ये नहीं कि आप पीछे हट जाए, उसका लेकिन साथ मुझे दें, नहीं लगता सुधार. सलमान को इन चीजों से इतना मसला नहीं था। आई थिंक जो उसके मसले अराइज हुए थे वो उसके फैमिली के थ्रू, और जब ये चीज उसकी बीवी के बारे में पब्लिक होना शुरू हो गई, और आई थिंक इन चीजों से उसको ज्यादा, आई मीन दे वर ऑलवेज, इसको समीरा से कभी मसला नहीं था, इसको मसला था रिलेटेड चीजों से, यू नो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स उसकी अराइज होते रहे। ईगो आई डोंट नो ईगो भी अब, थी. हाँ आई डोंट नो अगर अब ड्रामे में अगर ये किस तरह कन्वे हुआ, या वो यू नो उस तरह सीन्स हुए या नहीं हुए कि ये चीजें कन्वे हुई, लेकिन दैट्स माय थॉट बिहाइंड इट। एंड उस और मॉरल में जो बात हो रही थी मॉरल की, तो मॉरल आई थिंक फॉर हिज कैरेक्टर इज के वो पहले गया, लेकिन एक्सटर्नल चीजों ने उसको इन्फ्लुएंस किया, जिसकी वजह से वो बिल्कुल साइड ट्रैक हो गया, और अब शायद उसको रियलाइज होगा कि उसने क्या, यू नो, कि पहले शायद वो ठीक था, और यू नो जिंदगी जो इतनी बदल गई। तो अभी दैट हम इज द कुछ मॉरल ऑफ रिवील सलमान। नहीं कर रहे. तो दैट इज द मॉरल ऑफ सलमान। समीरा का भी, आई मीन तुम क्या कहोगी? वॉज यू नो आई जो थिंक इट उसने जो फिर वॉज ये नॉट फाइट ओनली अबाउट अ रेप विक्टिम. इट वॉज अबाउट किया, एनी यू नो एनी विक्टिम इन एनी सिचुएशन ऑफ लाइफ दैट दे शुड नॉट एंड अप बींग अ विक्टिम. यू नो दे आर विनर्स एंड दे आर सर्वाइवर्स. दे शुड बी. सो इसमें ये था. और दूसरा बहुत सारे मैसेजेस थे कि समीरा जिस तरह की लड़की थी, हेड स्ट्रॉन्ग फाइटर, उसकी जर्नी ऐसी थी. ये भी मैसेज था कि उसके जो अपने घर वाले होते हैं उनको उसे हमेशा सपोर्ट करना चाहिए. ऐसी लड़कियों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आगे घर वाले भी पछताते हैं. उसकी माँ और उसके बाप भी कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी का साथ क्यों नहीं दिया, मुझसे सबसे बड़ी गलती है, मुझे ये करना चाहिए था. हम इस चीज़ में रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे और ये क्या होगा वो क्या होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अब हमें अपनी लड़कियों को एम्पावर करना है. अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो ये उनकी गलती नहीं है, उनके साथ ज्यादती हुई है. गलत वो लोग हैं जिन्होंने किया है, उनको बदनाम करें. ये क्यों कहते हैं कि ओहो अब चुप करके बैठ जाओ, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, हमारी बदनामी हो जाएगी. उनको गलत करें ताकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, हाँ उनको उनको हिम्मत ना मिले जो गलत कर कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं ना. सा नहीं, ऐसा है। हाँ, ये एक अच्छा, अगर 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 हम कर पाते तो ये एक अच्छा मॉडल होता कि विक्टिम शेमिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए, और ये एक अच्छा मैसेज है। आई होप ये जरूर कन्वे हो। अच्छा, किसी ने मुझे पूछा कि सलमान को पिंकी में क्या नजर आता? पता नहीं। सलमान के पास उस वक्त पिंकी ही थी और कोई नहीं थी, करीब वही थी। मतलब कोई ऑप्शन नहीं था ना समीरा को दिखाने के अच्छा, लिए. किसी ने कहा आई थिंक सलमान का डेथ होगा। ओके, लेट्स सी, आज पता चलेगा। ग्रेट वर्क सनम। ओके, आई डोंट नो गाइस, यू आर टेलिंग अस समथिंग अबाउट शूटिंग एंड इट्स प्रोसेस। आई वांट टू बी एन एक्टर एंड वांट टू नो अबाउट द प्रोसेस एंड व्हाट इट्स लाइक। ओके, आप बताओ सनम। कोई पूछा कि मैं एक्टर बनना, आई गेस इट्स अ गर्ल, सिम सेज सिम सिमस्टाग्राम एक्स लिखा हुआ है। सो वो कह रही है कि आई वांट टू बी एन एक्टर, प्रोसेस के बारे में बताएं। व्हाई डोंट यू शेयर योर एक्सपीरियंस एज अ गर्ल, बिकॉज़ यू नो इट्स अ गर्ल आस्क। ऑफ कोर्स पहले तो आप एक अच्छी सी रिसर्च करें कि जो बाकी जो क्या कहते हैं उनको, बेस्ट जो हमारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिसमें सिक्स सिग्मा आता है, जिसमें बिग बैंग आता है, जिसमें
मोमल एंड मोमिना दुरेर प्रोडक्शंस आते हैं, एमटी, सेवन स्काई आता है, आई ड्रीम्स आता है, इन सबको आप कांटेक्ट करें. हाँ यही तो है. नहीं आई सब थिंक कुछ रह भी गए शायद. सही सब 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 तो अच्छा ना द ऑप्शंस दे रही फाइन हूँ कि उनको कांटेक्ट करें डिटेल्स। हाँ, और बिल्कुल उनको बताएं, उन सबके प्रोसेस के पेजेस बारे में बनाएं. पूछते हैं कि प्रोसेस प्रोसेस कैसा है। आई मीन हाउ इज योर जर्नी टिल नाउ, हाउ डू यू फाइंड द वर्क एज अ गर्ल इन द बिजनेस। आई मीन यू नो बहुत सारे आई थिंक फैमिलीज स्पेशली गर्ल्स बड़े रिजर्व होते हैं कि नहीं लड़की को नहीं अब तो सभी बहुत लड़की अच्छी को नहीं, फैमिली की लड़कियां हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, और सबकी फैमिली सपोर्ट भी मतलब बहुत कहने का अच्छा. मकसद कि वो होते हैं कि शायद काम ऐसा है या कुछ नेचर बिल्कुल ऐसा है, मैं तो आई वही, थिंक दैट हाँ वुड बी गुड वही पॉइंट कह ऑफ रही हूँ व्यू कि फ्रॉम देखिए आप एवरीवन जहां पे भी एल्स। होते, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे बैंक में हो, चाहे जहां पे भी हो, आपके अपने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने आप को लेकर चलते हैं और किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करते हैं जो भी ये आती है बहुत आपके. इंपॉर्टेंट हाँ बात है, आपके आपके अपने ऊपर रास्ते, बड़ा डिपेंड करता है। अगर बिल्कुल आप अपनी इज्जत बिल्कुल रखेंगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। ये आपकी इज्जत बिल्कुल करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे तो कहते हैं आपके अपनी लोग. इज्जत, अपनी इज्जत अपने हाथों में, आपकी इज्जत हाँ अपने, कुछ ऐसा ही कहते हैं। बिल्कुल, हिना जावेद कह रही है और हेलो. आपका आपकी इज्जत भी अपने हाथों में है, और आप लोगों की सेहत भी इस वक्त जो है आपके अपने हाथों में आपके अपने हाथ में है, और अपने ना। हाथ में ही रखे, किसी से हाथ ना मिलाए और हाथ मिल जाए. मुंह मुंह के पास भी रहना है। अच्छा जी, बिल्कुल कैन यू से माय नेम हमजा सजाद, इट्स माय बर्थडे। चलिए हमजा को हैप्पी विश कर लेते हैं, बर्थडे सना हमजा को भी हैप्पी सजाद. बर्थडे हमजा। सेलिब्रेट तो आप नहीं कर रहे होंगे यकीनन, हाँ लेकिन नहीं, हैप्पी हैप्पी बर्थडे मेरे और सना की तरफ से और टीम रसवाई की तरफ से। प्लीज टेल बर्थडे. मी सना योर हेयर सीक्रेट्स, व्हाट यू यूज फॉर योर हेयर। वेल आई थिंक मेरे अम्मी अब्बू के बहुत अच्छे बाल थे, इसलिए मेरे अच्छे हैं नेचुरली. कोई हेयर लेकिन स्पेशल हाँ, हेयर रूटीन, डू यू ऑयल इट या डू या आई वॉश इट, डू कंडीशन इट एवरी कोकोनट ऑयल, डे या क्या? कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, या कोकोनट ऑयल इज गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। या और मैं बहुत ज्यादा अच्छा अवॉइड जी, करती हूँ बॉम्बे से क्योंकि हमारे मैं साथ चूहे है पे. फराज कुरैशी। हेलो टू ऑल ऑफ आवर फैंस इन इंडिया एज वेल, जो हमारे ड्रामे बड़े शौक से देखते हैं। सलमान पागल हो गए किसी ने, ठीक है, सलमान को समीरा मिलेगी किसी ने कहा है, ठीक है। अच्छा आप लोग बताएं कि एंड आपको क्या लग रहा है कि ड्रामे का एंड क्या होगा। मीको हाँ प्लीज स्माइल प्लीज बाबू। प्लीज, आप लोग को पता है आपको क्या लगता है एंड कैसा होगा, एंड में क्या होने वाला है अपने. चल लोग पूछ रहे हैं कि YouTube पे क्यों नहीं आ रहा भैया, आपको पता है इसके बारे में कुछ ये आई थिंक बहुत YouTube? सारे कंट्रीज जो हमें देखते हैं वहां से, दूसरे मुल्कों से, वो शिकायत कर रहे हैं. उसको नहीं मिलता। आई डोंट अच्छा नो, आई पाकिस्तान में थिंक आता है YouTube पे, मैंने नहीं देखा। आई थिंक पाकिस्तान पाकिस्तान में में तो तो आता है है. YouTube पे। हाँ। तैमूर अच्छा जी, चौधरी, हमजा, हाय. हिरान, अरमान, जेरा, फिर से पूछने सवाल, आई डिडंट गेट इट। हाउ यू डॉक्टर बन के कैसा लगा सना आपको ड्रामे में? स्वीट नाजी बहुत ने अच्छा पूछा। बड़ी लगा, इतना रिस्पॉन्सिबल फील हुआ. और क्यूट डॉक्टर थी, बड़ी क्यूट डॉक्टर थी, मुझे बड़े पसंद थे जब सना अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर बनी होती थी और मैं उसको मिलने आता था फूल देने के लिए, वो और कितना अच्छा सीन था क्यूट ना निकाल, इतना क्यूट सीन था वो. सीन थे हमारे। शुरू के बड़े अच्छे क्यूट सीन थे, उसके बाद तो बस दूर दूर थे वो। हाँ मुझे वो सीन बहुत पसंद है, हमारा निकाह के बाल उसके वाला बाद सीन. कोरोना वायरस हो गया हम दोनों को, हम दोनों के बीच में कोरोना वायरस माफ करें. गया। सना जावेद, यू आर माई मोस्ट फेवरेट एक्टर, काइंडली से माई नेम। समीना कह रही है, जी समीना को आप हाय कहते हैं। हाय निकाल, आप यूनिफॉर्म में समीना. बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, मुझे भी यूनिफॉर्म बड़ा मजा आता था पहन के। मेरी कोशिश होती थी कि ज्यादा से ज्यादा सीन्स जो है मेरे यूनिफॉर्म में। हाँ बड़े कूल पायलट थे आप. कोई पूछ रहे ड्रामा इतना ड्रैग क्यों हुआ, आप अच्छा, ड्रामा इतना ड्रैग क्यों हुआ? पता है. ये सवाल जो है, ये आप जरूर एयर वाय और आप प्रोडक्शन टीम्स को भेजा करें, क्योंकि हमें भी यही कहा जाता है कि 24 या 25 एपिसोड होंगे और वो फिर एंड में क्योंकि हमने तो अट्ठाईस या 24 उनतीस हो जाते एपिसोड ही हैं, साइन किए होते हैं, तो और बट वो लिखे भी 24 होते हैं, तो वो एपिसोड्स बढ़ा के, और हम खुद बड़ा रिक्वेस्ट करते हैं चैनल्स को कि स्टोरी जितनी टाइट हो, जितनी अच्छी हो, तो ये शिकायत हम लोगों की भी है, कैसी बात है। अच्छा जी, जवाब दो, कोई कह रहा है मुझे सवाल नहीं मिला जी। अच्छा जी, फेवरेट कॉन्सेप्ट रसवाई, लव फ्रॉम मुंबई। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू. आपको देख के अच्छा लगा। सना, विल यू मैरी मी प्लीज, फायज असलम ने पूछा। नो नो। नो. ओके।
लव फ्रॉम कश्मीर, सबको कश्मीर में भी सलाम, और अस्सलाम कश्मीरियों वालेकुम सबको, को कश्मीर में अपना बहुत ख्याल रखें, आप लोगों के लिए बहुत दुआएं, बहुत दुआएं करते रहते हैं हम सब, बहुत सोचते बहुत हैं, मैं ज्यादा खुद दुआएं। बहुत परेशान होते हैं जो भी खबरें आती हैं कश्मीर से। और मिकाल अच्छा हमारे यार, ब्रदर कश्मीर में बहुत भाई टैलेंट है, जो सॉरी मैं कह रही हूँ हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत फैंस है, वो भी बहुत रसवाई देखते थे, आई डोंट नो वो देख पा रहे हैं कि नहीं, तो उनके लिए भी बहुत दुआएं और बहुत प्यार, अल्लाह ताला आप लोग की मुश्किल आसान करे, आमीन। आप भी देख लो सना कमेंट्स, वी कैन मे बी आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू। अच्छा वजीहा की भी हैप्पी बर्थडे है जी, वजीहा हैप्पी बर्थडे को भी हैप्पी वजीहा, बर्थडे। मैं तो कमेंट्स और कमेंट कर करके भी थक गई, कौन कौन है, आतिया मुनी, आतिया मुनी फैसल प्लीज दोबारा कर दे, थैंक यू। मुझे लगा समीरा को सलमान गोली को गोली लगेगी लग जाएगी, समीरा को गोली लगेगी, किसी ने लिखा, मुझे लगा सलमान को गोली अभी हम रूसी बोल लगेगी। सकते, सॉरी। अच्छा पिंकी जेलस किसी ने मिकाल लिखा योर है। बियर्ड हाँ कलर इज पिंकी अमेजिंग, थैंक यू। अच्छा तुम्हें पिंकी कैसी लगी समीरा? मुझे उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, वो खुद भी बहुत अच्छी अच्छा है, शी इज अ वेरी स्वीट हाँ वो गर्ल, चीज तो बड़ी है, लेकिन उसने वैसे बड़े मजे का किया क्योंकि वो ऐसी उसने है नहीं बहुत अच्छा, हाँ इतनी। वो हाँ कितना बोलती है वो कि बड़ी नहीं, स्वीट है। हाँ हाँ बिल्कुल बहुत स्वीट और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग किस्म बिल्कुल ही, की है। हाँ तो ऑपोजिट था इस कैरेक्टर का, वो बहुत स्वीट लड़की जब है, उसने फ्लर्टी मुर्गी कहा ना कि मुझसे ही नहीं लाइक बच्चे है, संभाले जाते, और ये हाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि शर्मीन, शी उसे इज अ वेरी हमारे गुड साथ एक्टर ऑल्सो। इरशा नबी, ट्रू सहादीन इन पाकिस्तान, ओके सना यूएस मैन में योर तो खानी रसवाई की है। खानी इज माई ऑल टाइम फेवरेट, लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू ओए ओए वेदिक 08, थैंक यू। यूएस में रसवाई के एपिसोड अवेलेबल नहीं है, नहीं है द लास्ट दैट्स एपिसोड अभी, क्योंकि सैड, द लास्ट एपिसोड हैजंट एयर्ड राइट नाउ, वो अभी जस्ट इन 1 आवर एक्चुअली ऑलमोस्ट के ओह बाद एयर होगा। यस, तो मिकाल आप थोड़े से नर्वस हो, मैं तो सलाम अबाउट द फ्रॉम लास्ट एपिसोड, रशिया, हाँ एक्चुअली बुशरा तबस्सुम, मैंने लाइव एपिसोड देखने देखे नहीं है, लेकिन ये वाला मुझे लग रहा है मैं लाइव ऑन टीवी देखूंगा, सो मजा आएगा। अच्छा सलमान की माँ, माँ का मर जान को मर जाना चाहिए। अच्छा क्यों भाई, मेरी मेरी माँ को क्यों मार रहे हैं इनमें, क्या उन्होंने क्या जानी वैसे हाँ तुम्हारी और मेरी माँ की जो रिलेशन, वो भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई तुम दोनों, बड़ी एज इन लड़ाई ऑब्वियसली ऑन ऑन मतलब वो प्ले की बात कर और काफी सटल सा था, के। लेकिन ऐसा था कि उफ, हाँ, बड़ी ठंडी ठंडी चुपड़े हैं दोनों एक दूसरे को, तुम दोनों मान लो ऑन ना स्क्रीन। अच्छा बहुत मजे के जी सीन्स इतनी थे, प्यारी डॉक्टर हो तो रोज बंदा बीमार हो जाए। अल्लाह ना करे अच्छा यार सना, आजकल की लड़कियों को कोई मैसेज देना चाहेंगी सना? बिल्कुल, आई होप, मैं वैसे कोशिश करती हूँ सारे ऐसे ड्रामे हों जो डिपिक करते हैं एक स्ट्रांग लड़की और वो ऐसी, क्योंकि आई थिंक मेरे अंदर भी वो लड़की है कि जब किसी के साथ अनफेयर हो रहा हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो मैं अपनी आवाज़ उठाती हूँ, मैं सर उठा के बोलती जरूर हूँ उनके डिफेंस में, तो इस ड्रामे में भी मेरा यही मैसेज है और सबको वैसे भी जनरली भी यही है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है, कुछ अनफेयर होता है, तो आप डरे नहीं, आप खड़े हुए अपनी आवाज उठाएं, और बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कभी कभी मुश्किल होता है बोलना, लेकिन हिम्मत करें, कर सकते हैं आप सब, और आई थिंक समीरा तो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल, हाँ बहुत बड़ा हो रहा है, बट हाँ समीरा की लाइफ एक एग्जाम्पल है, उसने किस तरह से अभी तक, शी इज अ फाइटर, वो लड़ी है किस तरह से, मुश्किलों से निकली, और सो या एक्सलेंट। अच्छा किसी ने कहा है सलमान आप समीरा को इतना मारते क्यों? क्योंकि समीरा बड़ी क्यों गंदी बच्ची है, वो खाना नहीं खाती थी, टाइम पे उठती नहीं थी, और इसलिए मैं उसको मार आई रहा लव हूं। योर हेयर्स परीशा, अच्छा बोल सकते हैं सलमान, सलमान किसी ने कहा है सलमान नॉट डिजर्व समीरा। हाँ मे बी यू राइट, बट अब ये आज पता चलेगा कौन क्या डिजर्व करता था। अच्छा नाम लो जी, किसी ने कहा है नाम लो। अच्छा जी मेगा ले लिया आप, और बताएं। मुझे अच्छा लगता है डॉक्टर बनना। अच्छा तो अच्छी बात है, आपको जरूर डॉक्टर बने, बनना चाहिए और डॉक्टर। आजकल तो हाउ मैं अबाउट डॉक्टर वी से टॉक अबाउट जरूर है, डॉक्टर्स सुनो, या जो हाउ फ्रंट अबाउट वी टॉक लाइन पे अबाउट हैं, डॉक्टर्स, और हमारी जो हमारी फ्रंट लाइन है
और डॉक्टर्स नर्सेज जितने बल्कि हॉस्पिटल स्टाफ है मेडिकल केयर वर्कर्स जो ऑब्वियसली अपने जितने आप को डायरेक्ट रिस्क करते हैं. एक्सपोजर है उनका कोविड पेशेंट से, आई मीन हैट्स ऑफ टू देम यार, सलूट है उनको तो. वो जो कर रहे हैं ना, वो इस नो वक्त कोई नहीं डाउट. कर और ये सकता. बाकी वो मिसाल है कि डॉक्टर को ये होता है कि वो अपनी जाननी और भी बचा ले एंड यू नो पुटिंग देमसेल्व्स ऑन रिस्क फॉर अदर पीपल. आई मीन इट्स ऑलमोस्ट ये तो वो हो गया ये क्योंकि एक जंग ही है और वो हमारी फ्रंट लाइन है. ये ऑलमोस्ट ऑफिसर्स हमारे बन चुके हैं जो हु आर बिल्कुल विलिंग टू यू बिल्कुल. नो सैक्रिफाइस देमसेल्व्स बाकी टू बिल्कुल बिल्कुल सो. जो करें. सारे डॉक्टर्स को हम सलाम पेश करते हैं, आपकी दुआएं और यू नो अल्लाह करे कि ये अल्लाह बहुत करे, ज्यादा ना हाँ ऑब्वियसली अल्लाह करे, स्प्रेड करे अल्लाह और करा, उसको. हाँ बस ये सब कुछ ठीक हो जाए, सबको अल्लाह ने अपने इंजमान में रखे, और इस मुश्किल की घड़ी अल्लाह करे जल्द से जल्द खत्म हो इंशाल्लाह. मुस्फीरा आमना ने कहा है, आमना ने कहा है कि आमना मुस्फीरा ने कि बोथ यू लुक अमेजिंग इन यूनिफॉर्म्स. थैंक यू सो मच. मैंने तो थैंक कहा यू. तुम्हें कैसा लगता है डॉक्टर बन के सना, मुझे डिड यू बहुत फील लाइक अच्छा अ लगा डॉक्टर था, व्हेन यू बहुत अच्छा लगा था लोगों का यूनिफॉर्म? ख्याल रखने मुझे का भी एक ये यूनिफॉर्म पहन के किया. मेरी बैक स्ट्रेट हो जाती थी, चाल ठीक हो जाती थी. आपने तो वैसे भी ये कैरेक्टर फिल्म में भी किया हुआ है ना. वो तो फाइटर पायलट था और उसका तो और भी जबरदस्त यूनिफॉर्म था. वाह, वो बहुत बट ये अच्छा एक मजे का कैरेक्टर था था, वाज एन अमेजिंग मूवी, कमर्शियल पायलट. थैंक बहुत अच्छा काम था उसमें आपका. अच्छा कोई कह रही यू मेरी थैंक बेटी की यू. बर्थडे मासूमा की, तो मासूमा हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे मासूमा, विश यू ऑल द बेस्ट. फातिमा फैसल, प्लीज से माय नेम. जी फातिमा कह दिया. मुझे तो लगता है कि सलमान ने समीरा को अगवा करवाया था. सलमान ने शर्मीरा को अगवा करवाया था. ओए ओहो, होए होए होए, अस्सलाम वालेकुम सना, आई एम फ्रॉम इंडिया, वी तो बड़ी हैवी सपोर्ट बात की. यू बॉस. ओके थैंक यू. अच्छा, मेरी ये कैसी बात की किसी ने, है किसी ने कहा कि मुझे लगता है सलमान ने शर्मीरा को अगवा करवाया. ले, ये क्या सलमान की बात अम्मा ने की. ना करवा लिया, सलमान का निकाल. अच्छा ओके, आई हैव जवाब वॉच्ड दो लोग खानी कह रहे हैं, मेनी लेकिन सॉरी टाइम्स एंड मैंने आई एम वॉचिंग खानी अगेंस्ट सना, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैदराबाद इंडिया, फिरोज खान सना जा. ओह थैंक यू, आई एम फ्रॉम हैदराबाद इंडिया टू, आई मीन मैं हूँ, मेरे अब्बू इज फ्रॉम हैदराबाद इंडिया. सो या अच्छा हाँ, आई वाज गोना आस्क यू आर फ्रॉम हैदर. अच्छा यू आर फ्रॉम सिंध. आर यू सिंधी सना? नो नो, हैदराबाद दक्कन इंडिया. ओके आई एम ओके 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 हैदराबादी. हैदराबादी. हाँ, खट्टा खट्टा मीठा हैदराबादी. खट्टा, उफ आई अल्लाह लव खट्टा, ये मेरा गुजारा नहीं है खट्टी दाल पाक, पर. किसी ने अली तारिक ने कहा है अल्लाह पाक ब्लेस एवरीवन. बिल्कुल. मीरपुर आजाद कश्मीर से अरसलान है. हेलो, कैसे हैं कैसे हैं? सुनाना आप. एंड नूमा शबीर कह रही है आई एम फ्रॉम कश्मीर, विच साइड ऑफ कश्मीर वी डोंट नो. हेलो मिकाल, हेलो, व्हाट आर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट? से हमने बता दिया है. व्हाट्स योर फेवरेट मेमोरी फ्रॉम सेट? जैनब ने पूछा है. बताएं. माई फेवरेट मेमोरी फ्रॉम सेट, वो बड़ा क्यूट इंसिडेंट था. आई थिंक हम वो सीन कर रहे थे, पता नहीं मेरी तुम्हारी एंगेजमेंट का था या शादी का, और जिस घर में हम शूट कर रहे थे तो वो घर वाले बड़े प्यारे थे. जो मेरा घर दिखाया हुआ था, घर वाले बड़े हाँ, जो स्वीट थे. क्यूट थे ना वो पूरी शेरदिल फैमिली, शेरदिल आई थी और उन्होंने पूरा एक दिन आए और उन्होंने केक केक शेक काटा निकाला निकाल और के, दैट है ना, वाज वेरी केक स्वीट. काटा मेरे लिए और शेरदिल ने शेरदिल को हमने सेलिब्रेट किया. बड़े स्वीट लोग थे. अगर आप लोग देख रहे हैं, वी मिस यू गाइस, इंशाल्लाह सी यू सून. में भी थैंक्स. फिर हाँ, वो बहुत सैड थे जब दैट वी आखिरी दिन शुड. शूट का था, तो वो लोग बहुत सैड थे, कहते वो हाँ, मीन्स बड़े स्वीट, इट. बड़े अच्छे, बड़े वेलकमिंग लोग थे. लोग फिर भी आप फिर सना हेयर टिप्स पूछ रहे हैं. आई लव योर हेयर्स और आपके हेयर टिप्स पूछ रहे हैं. कोकोनट थैंक यू. बस आई थिंक कोकोनट ऑयल. ऑयल यू सेड? हाँ, ऑयलिंग इज गुड. सानिया इज हेयर फ्रॉम इस्लामाबाद. हाय सानिया. ओके. रेल में तो इमोशंस नहीं हुए? रेल में तो इमोशनल नहीं हुए? किस हवाले से कह रहे हैं? आई डोंट सना, व्हाट्स अंडरस्टैंड द दैट. नाइस कैरेक्टर क्वेश्चन. लाइक ऑफ योर नेक्स्ट रोल विद बिलाल अब्बास? आई कांट रिवील राइट नाउ, बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट प्रोजेक्ट एक्चुअली. एक्सेंड दैट्स गोइंग टू बी ऑन एयर एज वेल यू सेड सना. या सून इंशाल्लाह, जैसे ही सही होगा उसकी शूट स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह. अच्छा, कोई कह रहा है जॉइन पिंकी एज वेल. यार पिंकी भी आ गई, फिर मस्ता बन जाए, क्या हो. अच्छा, चुप नहीं रहने को कहा गया बाय बल्कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शोर किए.
चुप. अच्छा ओके. सना यू टू मच लव, लव योर स्किन, माशाल्लाह. थैंक यू. ऑब्वियसली सना के बहुत सारे फैंस हैं. निकाल के दिया, सना कोई निकाल के और फैंस मुझे कह रहे हैं कि रिव्यू? आप चुप हो जाए, सिर्फ निकाल बोलेंगे. अच्छा पिंकी रेल में आपकी वाइफ है? नहीं, पिंकी रेल में मेरी, सना भी रेल में मेरी वाइफ नहीं थी. ये ड्रामा होता है भाई आजकल तो. कैनॉट वेट फॉर टुनाइट एपिसोड्स, प्रॉपर सस्पेंस हैपनिंग. जी हाँ बिल्कुल. अच्छा यस. आपको अगर एंड के बारे में बताना चाहें, शी वॉज सो इरिटेटिंग जानी. हाँ, किसी ने कहा है. अच्छा ठीक है. हानिया जावेद ऑफिशियल, लव फ्रॉम इटली. ओ इटली में भी लोग हैं, इटली से भी आई बहुत. होप आप सब ठीक हो वहां पे. बिल्कुल. बड़ी सैड न्यूज आ रही है फ्रॉम यूरोप एज वेल, एंड वी होप ऑल आवर फैंस आर फाइन इन यूरोप एंड इवन नॉट आवर फैंस. दुआ सबके लिए करते हैं. आई सबके लिए, वी आर प्रेइंग आई फॉर द विल वर्ल्ड. फॉर मॉम. सना आई लव यू बाय द वे, आई एम अ गर्ल, आई लव योर एक्टिंग इन खानी एंड दिस वाइफ. थैंक यू. Both of you have good chemistry in real life. You should do these more. Okay. कोर्स इंशाल्लाह. मेरे मेरे से भी कोई बात करे जी, सना शाह कोई बात करें, हम आपको भी जवाब दे देंगे. आई एम ये जस्ट सना रीडिंग ऑल ऑफ कैसे योर देखता है कॉमेंट्स फ्रॉम नाउ. इंडिया? आप भी थोड़ा सा हाँ सना, या वरी यू, आप भी, व्हाई डोंट यू टेक ओवर विद द कॉमेंट्स राइट नाउ. ओके. मैं अब एक मे बी स्क्रोल बार, अप अगर आपने करना है तो उसे देख हाँ लीजिए. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. या वो फिर काफी सवाल आ जाए. मेरे हाथ दुख गए मैसेज वी स्टिल हैव करते अबाउट करते. सॉरी. 2000 व्यूअर्स विद अस जो हमें देख रहे हैं. वी हैड प्रीटी मच 2000 थ्रू आउट, सो दैट्स प्रीटी गुड. आई थिंक लोग आ जा रहे हैं थ्रू आउट, जो है हार्ट भी हमें मिलते जा रहे हैं. फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामा सो फार, बोथ ऑफ यू आंसर प्लीज. ये किसने पूछा है? ये पूछा है, फेवरेट हाँ अब ऊपर चले गए. यार, मुझे अल्ले फल्ला और इंसान बड़ा अच्छा लगता था अपना. और मैं कोई वो उस तरह बात नहीं कर रहा. मैं अनफॉर्चुनेटली मैंने सिर्फ ज्यादातर अपने ही ड्रामे देखे हैं, दूसरों के हाँ कम तो अपने देखे ही हैं. पूछ रहे हैं वो कि हाँ अपने कौन से फेवरेट हैं. सही है. यारे दिल मेरा बड़ा फेवरेट था और अल्ले फल्ला. ओके. मेरे मेरे जरा थोड़े ज्यादा लिस्ट है अपने फेवरेट ड्रामों की, जिसमें खानी है, जिसमें जरा यादकर है, जिसमें फेवरेट के गोया. पूछिए सिर्फ, फेवरेट की इतनी लंबी लिस्ट नहीं हो सकती. अच्छे बहुत सारे हैं, फेवरेट की बात हो रही है, वो बताओ. अच्छा नहीं, प्यारे चलो मुझे ठीक पसंद था, बट आई थिंक खानी एंड रसवाई, ये तीन चार पर के जरा याद कर. सॉरी. है. अच्छा ओके. एनी मोर, यू वांट टू रीड सम मोर क्वेश्चंस? या आई थिंक गाइस मैं आप जल्दी जल्दी सवाल भेजते हैं. वील प्रॉब्ली बी ऑन फॉर अनदर 5 मिनट्स, जी हाँ बिकॉज कुछ तो देर बाद एपिसोड भी शुरू होने वाला है. तो मैं व्हाई उसकी डोंट यू तैयारी सेंड इन करूंगी, सम और आई लास्ट. थिंक अजान भी होने वाली है, हो बिल्कुल रही सही. है. सना वंस अगेन आई थिंक जो करंट हालात हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात करके एंड देन वील टेक सम मोर क्वेश्चंस. हाँ अगेन वही बात मैं बार बार रिपीट करूंगी, ताकि आई होप कि आप लोग यहाँ पे जितने भी, आई एम श्योर सब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं घर में आई थिंक बैठे. बल्कि हाँ, रादर देन सेइंग दैट, सॉरी सॉरी टू कट यू, मैं जो कहना चाहता था, जो मुझे कुछ पॉजिटिव्स की अगर हम बात करें इन हालात में, एक तो ये कि ज्यादातर लोग मेरा ख्याल से अबाइड कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग से. कुछ लोग निकले भी होते हैं बाहर, मुझे लगता है वो ज्यादातर जो मैंने देखा था, क्योंकि मैं सिर्फ जस्ट वन डे आई लेफ्ट द हाउस, और मुझे ज्यादातर जो लोग नजर आए वो जरा डेली वर्कर्स या जो काम की तरफ में भी जा रहे थे ना, उस तरह के लोग नजर आए, रादर देन कोई बिला वजह नहीं लग रहा था लोग निकले पे थे. और दूसरी अच्छी बात मुझे लगी कि बहुत सारे लोगों ने मास्क पहने हुए थे, ग्लव्स पहने हुए थे और अवेयर. तो आई थिंक अगर पॉजिटिव्स का देखा जाए कि आई नो ये हालांकि मुश्किल था, बट आई थिंक क्रेडिट टू द होल ऑफ पाकिस्तान भी और पाकिस्तान से बाहर भी, कि लोग ज्यादातर क्वारंटीन पे जो है अमल कर रहे हैं, वर्किंग फ्रॉम होम. बल्कि बिफोर आई स्टार्टेड आई गेस सना दिस वुड बी वर्किंग फ्रॉम होम, जो मैं और तुम ये इस वक्त कर रहे हैं, बिकॉज एग्जैक्टली. क्योंकि दिस इज अस अगर वर्किंग इस फ्रॉम वक्त होम. क्वारंटीन में नहीं होते तो हम लोग एआरवाई के शो में बैठे होते, मॉर्निंग शो में. तो पे बैठे होते हैं या कहीं बैठे, ऑब्वियसली हम इसकी बात कर रहे होते, बट वी आर नॉट डूइंग दैट. हमें काम की तरफ से भी प्रेशर नहीं है कि ऐसा करें आके, तो वो भी नहीं रिस्क करना चाहते. और पर्सनली भी जो है हम कॉशियस हो रहे हैं, तो हम सब ये प्रिकॉशंस ले रहे हैं. सो एक तो उस पॉइंट पे आई लाइक टू, जो जो भी घर पे रह रहा है
और क्वारंटीन कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये एक नेकी का काम है, आप ये सिर्फ अपने लिए नहीं बहुत सारे लोगों के लिए कर रहे हैं, और ये कुछ देर के लिए अगर हम कर लेंगे, और बहुत जरूरी है कि हम एक साथ करें ताकि ये कंटेन रहे ये चीज, एक ये पॉजिटिव मुझे नजर आता है। आप मुझे मैं तो लाहौर में हूँ सना, कराची के हवाले से बताएं, लोग ज्यादातर अंदर रह रहे हैं घरों में या? आई थिंक कुछ एरियाज है जहाँ पे मेरे ख्याल से वो लोग इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन मेरा जो एरिया है DHA जो है, यहाँ पे तो एक प्रॉपर लॉकडाउन है, मतलब कोई बाहर नहीं निकलता, और बस लोग मैंने खुद सिर्फ खुद 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 ये कर रहे हैं ना, मतलब इट्स नॉट कि आई थिंक ऑब्वियसली कोई जी ऐसा तो हाँ नहीं है बिल्कुल कोई बिल्कुल, बाहर खुद कर रहे पुलिस हैं, करती है या। बजाय इसके कि आपके ऊपर पुलिस या रेंजर्स आके ये कराए, आप लोग खुद इज्जत से घर बैठ जाएं, अपना आई इम्यून थिंक सिस्टम ये भी स्ट्रांग। एक बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि जब एक ऑब्वियसली एक इस तरह का ऑर्डर भी है और सबको पता है, तो यहाँ ये वक्त है सोशली रिस्पॉन्सिबल होने का, रिस्पॉन्सिबल और होने एक का। एक समझदार बंदा यही करता है। आई मीन आप फोर्सेस को भी क्यों तकलीफ में डालना चाहते हैं कि वो उनको कहीं आके लोगों को उनको भी नहीं सेपरेट अच्छा करना पड़े, लगता मारना या ये उनको भी नहीं अच्छा करना, लगता, उनको भी आप रिस्क में डाल रहे हैं, बिकॉज वो बिल्कुल वो भी बेचारे रोडों आई पे मीन इट खड़े हुए रियली होते हैं डजंट मेक आपकी सेंस। प्रोटेक्शन के लिए। तो कुछ ये कि देर अगर की ये घर बात है, हाँ हाँ कुछ देर की बात है, और इंशाल्लाह ये चंद हफ्तों में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह हम इसमें सो से निकल आएंगे, घर में बैठे हैं तो अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनसे दूर बैठे, मैं तो अपने अम्मी से दूर बैठती हूँ, और मेरा तो ये है कि निकाल, ये भी रियलाइज हुआ कि हमारे जो घर का स्टाफ होता है, जो हमारे काम वाले होते हैं, ये रियलाइज हो रहा है खुद, अब वो काम जब कर रहे हैं, झाड़ू भी हो रही है, पोछा भी हो रहा है, बाथरूम भी साफ हो रहा है, नाश्ता भी बन रहा है, पराठे भी बन रहे हैं, तो ये और एहसास ऐसे हुआ। टाइम पे, और ऐसे टाइम पे जिंदगी आई मीन जिंदगी कितनी सिंपल है, इन द सेंस कि आपको खाना बिल्कुल पीना, खाना पीना, रोटी, रूफ ओवर योर हेड, दैट्स इट। आपको इसके अलावा किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। आई मीन बिल्कुल, और अपने हम अम्मी अप्पू इतनी के एक लिए सुबह उठ के दौड़ में नाश्ता लगे बनाना, उनका होते टाइम हैं, स्पेंड करना, बिल्कुल वो भी बड़ा खूबसूरत है। जैसे मैंने कुछ डिफरेंट चीजें की, मैं बचपन में पियानो बजाता था, तो मुझे क्योंकि इतना टाइम था मेरे पास, मैंने पियानो बजाना शुरू कर दिया फिर से द अदर डे। हालांकि मुझे पढ़ी नहीं गई और मैं बिल्कुल बुक्स नहीं पढ़ता था, लेकिन मैं सुबह उठा, मैंने चाय के प्याले में मैंने एक किताब पकड़ी और मैं बाहर जाके गार्डन में बैठ गया, और मैं 1 मिनट बैठा, हालांकि मैं मुझसे आधा पेज भी नहीं पढ़ा गया, लेकिन मैंने शुरू की, और मैंने सिर्फ अपनी ये सोचा, मैंने कहा थैंक यू क्वारंटीन, क्योंकि मैं कभी ये जिंदगी में, शायद इतना पीसफुल था कि बाहर बैठे कोई रश। एक एक दूसरी पॉजिटिव बात, मतलब इसमें पॉजिटिव्स देखना, आई थिंक आपको पॉजिटिविटी देता है, क्लाइमेट हमारा, पोल्यूशन, एग्जैक्टली इस तरह की चीजें, इन पे भी इफेक्ट पड़ा है। बिल्कुल पड़ा ये एक है, बड़ा मजेदार वक्त है कि हमें शायद सोचना चाहिए कि यार हम जिस बिल्कुल। जितनी और पेस पे और जिस स्पीड पे जा रहे थे, क्या वो जरूरी है, क्या हमें थोड़ा सा कट डाउन कर नहीं लेना चाहिए? या आई थिंक एक बड़ा रियलाइजेशन वाला पीरियड है। ये ऑब्वियसली इस वबा के ऊपर साइंटिफिक भी और रिलीजियस भी, लोग कहते हैं अल्लाह की तरफ से अजाब है, ये जरूर में भी अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट है, बिल्कुल और बस शायद आपको बैठ के सोचना है, आपको बैठ के सोचना है मतलब कि ऐसी इस ऐसी टॉपिक पे खास तौर पे मैं चाहूंगा कि जो भी लोग हैं वो भी थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें कि हाँ मिकाल, क्योंकि ये मैंने जो भी वक्त, ये जो है, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कि मैंने खुद रियलाइज किया है कि नहीं मैं बल्कि कितना चाहता हूँ कि सना तुम बताओ अपना, क्या तुमने रियलाइज किया इस टाइम में जब हमारे पास इतना टाइम है सोचने का और रिफ्लेक्ट करने का? बिल्कुल, वो ये था कि मैंने ये भी रियलाइज किया कि जिन चीजों को मैं फॉर ग्रांटेड लेती थी, अब मुझे उसको हरगिज नहीं लेना। एक तो आपको हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, लेकिन जब आप फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं ना, आई थिंक वो ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने, अल्लाह की तरफ से ही हुआ है, तो अल्लाह मियाँ ने इतनी सारी चीजें रियलाइज करवाई हैं। और दूसरी ये चीज, जब आप नेचर को, जब कुदरत को अपने हाथ में लेते हैं ना, तो फिर वो कुदरत किसी भी तरह से अपना स्पेस और अपनी जगह लेने के लिए ना कुछ भी कर लेती है, जो इस वक्त हम बिल्कुल इस पूरी दुनिया इस लॉकडाउन में, जिस तरह से हमने दरख्त काटना शुरू कर दिए, जिस तरह से हमने समंदरों में समंदर के जो उनकी जो कम मखलूक है अज कम इन उनकी, चीजों पे तो, हाँ
इन चीजों पे तो रुकावट आई ना, पोल्यूशन रुक गई, इस पोल्यूशन पे, तरह की मतलब चीजें, मतलब बिल्कुल इसमें भी हमने पॉजिटिव्स हमने हैं उस इन चीज को माय अपने व्यू। हाथ में ले लिया था। जब हम लोग अब तस्वीरें देख रहे हैं कि अब कि इटली में अब वो जो स्वान्स हैं वो लेक में आ गई हैं, और वो सब नहीं होता था, डॉल्फिन्स आ गए अच्छा क्योंकि मैं नोट करता हूँ छोटी चीजें, मतलब जैसे हाँ एक लाहौर में जा रहे थे, सब माशाल्लाह हाँ इट्स अ वेरी ग्रीन एरिया, बहुत सारे दरख्त हैं, पुराने दरख्त हैं, तो यहाँ बहुत सारी ईगल्स और बर्ड्स और बहुत सारी होती हैं, और मैं उनको बड़ा मजे का उनका एक बिहेवियर आजकल देखता हूँ कि वो भी जरा हैरान है कि यार इंसान कहाँ गए, सारे कहाँ गए। लोग कहाँ गए, और मेरी ना मेरी जो और कमरे बाहर की जो भी बहुत खिड़की है सारी ना, उधर ईगल्स एक हैं। एक कौवा था जो रोज आता था और इतना शोर मचाता था, इतना शोर मचाता था, लेकिन अब इतनी प्यारी प्यारी चिड़ियाएं आती हैं और मैं ना आती हूँ और मुझे खूबसूरत आवाजें सुनने को मिल रही है। यस चले सना, लेट्स हाउ अबाउट व्हाई डोंट यू, आई गो टू सम कमेंट्स फॉर अ बिट, और थोड़े से फिर आप भी पढ़ लो, एंड देन आई थिंक हाँ ठीक है, हाउ फिर अबाउट हम वी खुदा से हाफिज कहते हैं। क्या ख्याल है। सना मैम, यू आर ग्रेट एंड अमेजिंग, थैंक ओके, यू। मैंने थोड़ा सा आप लोगों से पूछा था, आप भी पढ़ो, मैंने पूछा था कि इस टॉपिक पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं, हम बात कर रहे थे अबाउट पॉजिटिव्स, सो आई जस्ट रीड दैट। सना आप प्लीज गो अहेड, अगर आपको हाँ मैं सब हेलो हेलो कह रहे हैं, हेलो एवरीवन। ओके सुंबल जैन ने कहा है कि टॉकिंग अबाउट पोल्यूशन द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दीज डेज, आई हेयर द बर्ड्स चिर्पिंग इवन एट नाइट टाइम अराउंड 1 or 2, बिल्कुल जी, आपने सही कहा मैं सुंबल जी। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट। सना मैम योर एक्टिंग वॉज ब्रिलियंट, सलमान ने कहा है क्रोज सलमान आपको वेंट इनटू समीरा अच्छी लगती क्वारंटाइन, है या पिंकी? तुम्हारी क्रो पे किसी ने कहा है कि क्रो जो है शी इज गॉन इनटू क्वारंटाइन, जो तुम्हारा कवा आता था ना तुम्हारे शीशे वो पे। तो चोट मारता है ना, बकायदा से स्क्रैचेस मार दिए। हमसे गॉडेस बात कर लो रिदा, आप जरूर बात करें। डिड नो दैट, अच्छा डिड नो सना 5,000 में डन कर, पता नहीं सॉरी, कैसे हैं समद फ्रॉम मरीपुर बहन, हेलो फ्रॉम मरी, यू बोथ आर ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, से माय नेम सना हेलो जावेद, हजीफा, हजीफा कह रही है शायद, अजीफा, हेलो। अच्छा आई थिंक अब निकाल, हम लोग बात करते हैं और लोगों को सबको थैंक यू कहते हैं कि श्योर जिन्होंने हमें। श्योर। हाउ अबाउट लास्ट मैसेज और रसोई के हवाले से अगेन सना, इफ यू वांट टू से समथिंग। ऑफ कोर्स इतना इतना फीडबैक अमेजिंग बड़ा अच्छा रहा रिस्पॉन्स, बिल्कुल ऑब्वियसली, बहुत अच्छा हम रहा, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स, इतना अप्रिशिएट किया, इतना प्यार दिया मेरे कैरेक्टर को, आपके कैरेक्टर को। और हम इतनी जब तक जब से स्टार्ट हुआ है रुसाई, उस वक्त से अब तक हेडलाइंस ही बनाई है माशाल्लाह से, और इंटरनेशनली भी इतने लोगों ने उसको पसंद किया माशाल्लाह, है। तुम्हारा भी तुम्हारा खास तौर पे सना, तुम्हारे कैरेक्टर को और जो द वे यू प्लेड इट, और अगेन मैं कहना चाहूंगा कि जब मैंने खुद भी देखा, आई वाज रियली यू नो आई कुड फील जो तुम इमोशन तुमने क्रिएट करना चाह रही थी ना, वो मैंने फील की, और यही सबसे थैंक बड़ी यू, जीत थैंक होती है आई थिंक एक कैरेक्टर की, यू, एंड माशाल्लाह यू नो यू गॉट अ लॉट ऑफ प्रेज एंड वेल डिजर्वेडली यू नो। थैंक यू सो मच। और अगर लोग आपको कह रहे हैं ना कि मिकाल अब आप अच्छे नहीं लगते, तो आई थिंक ये आपके जो कैरेक्टर इतना बिलीवेबल जो आपने किया, एग्जैक्टली, आई डोंट माइंड दैट, आई नो डोंट दैट्स अ माइंड कि जो यू कॉम्प्लीमेंट, नो दैट्स बिकॉज या क्योंकि मिकाल ने बहुत अच्छा काम किया दैट्स है। द वे इट वाज सपोज्ड टू बी। थैंक यू सो मच सना, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी लाइव, दिस वाज फन, इट वाज गुड टू टॉक टू यू, एंड हमारे हवाले से भी यू नो एक तो मेरी अपनी जो जब से ये क्वारंटाइन शुरू हुए, शुरू में आई वाज रियली गुड, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली है, और वो लेकिन पिछले 8-10 दिन से ना मैं भी एक बड़ी लेजी रूटीन में फंसा हुआ था, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से मैंने ये लाइव सेशंस और इस तरह के शुरू किए हैं, तो बंदा यू नो कम से कम उठता है, थोड़ा जरा काम की तरफ जरा वापस आता है, जरा कोई शक्ल सीधी कर ली यू नो, तो इट्स बिन नाइस यू नो, एंड इट वाज नाइस टू टॉक टू यू एज वेल, हाँ सेम एंड हियर, बहुत अच्छा ग्रेट लगा मुझे। और मेरी तो खैर वर्किंग विद ज्यादा यू अच्छी सना। हेल्दी रूटीन हो गई है क्वारंटीन में। मैं बहुत सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, 6 बजे या यार मैं भी पता, मैं अजीब, हाँ मैं तो 9-10 बजे सो के सुबह 6 बजे आया, माँ पहले चाची एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल एंड आई लव दिस बिकॉज वो मॉर्निंग, माई स्किन के लिए अच्छा है, माई बॉडी के लिए अच्छा है। एंड आई एम डूइंग दिस चाइनीज योगा, इट्स कॉल्ड ची गंग। तो मैं ओके भेजूंगी कुछ उसके लिंक्स, तो ट्राई जरूर करना। कोई लिख रहा है कि अच्छा वी कैन चलो सी चलो स्टार्स इन कराची नाउ, यस।
तो बिल्कुल, चले बल्कि ठीक उस दिन कोई सोशल मीडिया पे मैंने देखी थी कि कोई कह रहा था कि सियालकोट से कश्मीर के पहाड़ नजर आ रहे हैं। आई डोंट नो इफ एग्जैक्टली दैट्स ट्रू सॉ और दैट नॉट। पिक्चर। हाँ बस भाई सब कुछ चेंज नहीं, हो गया है। सबके लिए, सबको सबको थैंक यू सो मच। सबको थैंक यू सो थैंक मच, यू सनम, इतना थैंक प्यार दिया, इतना यू पसंद किया वॉचिंग दिस आपने। लाइव। ओ आई थिंक कहाँ गए बिका। सॉरी आई गॉट अ कॉल इन द एंड। अच्छा, यहाँ नहीं रिमेनिंग भी आ गया कि शायद 1 घंटे का सेशन होने वाला है, तो 20 सेकंड रहेंगे। बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग रिस्वाई।